एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी हो गया है सुबह का टाइम। इस वक्त अभी बजे हुए हैं 5 और मैं यहां पर उठ गई थी और आज है बच्चों का स्कूल, तो सुबह मुझे जल्दी उठना था क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो बहुत सारे अभी काम मुझे निपटाने हैं। तो बस यहाँ पर उठ करके थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, आंखों में ठंडे पानी के छींटे मार लेते हैं ताकि जो हमारी नींद है वो जल्दी से खुल जाए। और वैसे भी अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो सुबह उठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आलस रहता है, तो उठ करके थोड़ा सा मैं आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती हूँ जिससे हमारा जो आलस है ना वो दूर हो जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ और देख लेती हूँ थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। तो बाहर अभी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, हल्का हल्का उजाला हो गया है, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है ताकि बाहर की जो ठंडक है ना नेचुरल वाली वो घर के अंदर आएगी, तो थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगेगा, आलस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे खोल दिए हैं और साथ ही एक दो जो बर्तन रखा हुआ था उसे मैंने रख दिया है सिंक में और अपने लिए कर लिया है पानी गर्म। ये पानी मैं डेली लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे काम करने की। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सुबह उठने के बाद नियम से करती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेली करती ही करती हूँ। तो सुबह उठ करके गुनगुना पानी लेना ये मेरी डेली की हैबिट में है, तो ये मुझे एकदम से याद ही रहता है, बिल्कुल मैं नहीं भूलती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो ये मेरी आदत में हो गया है और मैं इसको डेली लेती हूँ। पानी बैठ करके मैं पीती हूँ, लगभग 5 मिनट 6 मिनट लग जाता है सिप सिप करके, मतलब घूट घूट करके बैठ करके आराम से पीती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है पानी पीने के टाइम पे। पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा मैं बाहर ऐसे ही वॉक करूँगी 5-6 मिनट 10 मिनट अभी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और जैसा मेरे पास टाइम रहता है उस हिसाब से मैं बाहर वॉक कर लूँगी। फिर इसके बाद मेरे घर के बाकी काम स्टार्ट होंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस मैंने यहाँ पर 5-6 मिनट ही वॉक किया है और इसके बाद अब मेरे घर के बाकी काम होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:15 बज चुके हैं, 5:15 बजे से मैं सारे काम अपने करूँगी, साफ़ सफाई वगैरह जो भी है सुबह का जितना भी काम है वो मैं अभी ख़त्म कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वो काम बाद में होगा, सबसे पहले घर की सफाई होगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं उनको अभी नहीं उठाऊंगी वरना वो अभी उठ जाएंगे ना तो फिर बाद में फिर सो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो उसके बाद उनको अभी ज़्यादा आलस आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं उठाऊंगी। जब उनके स्कूल जाने का टाइम होगा उससे जस्ट आधा या 1.25 घंटा पहले ही मैं उनको उठाऊँगी। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं और मैं यहाँ पर घर के काम कर लेती हूँ। और घर में तो सन्नाटा है ही लेकिन बाहर भी बहुत ज़्यादा सुनसान सा लग रहा है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोग नहीं उठते हैं ना तो इस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा लगता है और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ घर के काम करने में और सबसे पहले तो मैं लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू। और वैसे इतना ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जब मैं पोछा मारती हूँ, एक बार पोछा मारने से पहले पूरे घर में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने झाड़ू मार दिया है। और सुबह सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, बासी झाड़ू इसको बोलते हैं, कि सुबह उठ करके घर में झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में बरकत बनी रहती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं घर का जो सफाई अभियान है। और यहाँ पर बालकनी में डाल देंगे पानी और वैसे तो एक बाल्टी में ही साफ़ हो जाती है लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता तो मैं यहाँ पे 2 बाल्टी पानी डाल देती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे झाड़ू मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ था झाड़ू लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, फिर मैंने यहाँ से झाड़ू को हटा दिया है क्योंकि देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, फालतू में रखा हुआ था। और बस यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ पोछा मारने के लिए और आजकल मैं बैठ करके ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि लगभग 1 महीने से हो गया, मैं हमेशा मॉप का ही यूज़ कर रही थी लगभग 1 महीने से, तो इस टाइम पे मैं डेली बैठ करके ही पोछा मारती हूँ तो अच्छा भी लगता है सुबह सुबह थोड़ा सा पूरे घर में जब मैं पोछा लगा लेती हूँ।
तो लगभग अभी 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा का काम ख़त्म हो चुका है और बेडरूम की जो बालकनी थी वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, दोनों रूम और फिर किचन में और फिर यहाँ पर हॉल में। बस ये तो हो गया घर के अंदर की सफाई, और इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे बालकनी की सफाई करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं झाड़ू नहीं मार रही क्योंकि कल रात में मैंने अच्छे से साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बस ऐसे ही डस्ट है जो कि पानी से साफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले कूलर में पानी मैंने लगा दिया था, तो कूलर में पानी भर चुका था इधर में, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है और जो मेरे पौधे लगे हुए हैं उनमें भी मैंने पानी डाल दिया है। ये तो हो गया मेरा सुबह का काम, और लगभग लगभग 5:45 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था साफ़ सफाई का। थोड़ा सा 10-5 मिनट हुआ होगा, ज़्यादा कम, तो यहाँ लगभग आधे घंटे लगे हैं, आधे घंटे या कह सकते हैं 35-40 मिनट लगे होंगे। पूरा घर इतने टाइम में मेरा साफ़ हो गया है और अब मैं पूरे दिन भर के लिए फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जो सबसे मेन काम है ना मेरा घर की सफाई करने का, वो मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, फटाफट से मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना था, तो सब्जियां मैं रात में नहीं काटी थी, सुबह में ही काटी हूँ। और सब्जी आज मैं बरबटी की बनाई हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैंने सब्ज़ी काटी और बस यहाँ पर सब्ज़ी अभी मेरी बन चुकी थी, बरबटी आलू और टमाटर मिक्स करके इस तरीके से मैं बनाती हूँ। टिफ़िन के लिए सब्ज़ी ये बनी है और साथ में बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे, तो पराठे भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, बस 4 ही बनाऊँगी, दोनों के लिए टिफ़िन के लिए। नाश्ता बच्चे वैसे भी करते नहीं हैं और गर्मी है, तो गर्मी में वैसे भी ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह तो और भी भूख नहीं लगती उनको। तो यहाँ पर बस मैं 4 ही पराठे बनाऊँगी, बाकी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए फिर बाद में बनाऊँगी जब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है और अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं, 6:30 बजे तक बच्चों का टिफ़िन रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर उनकी सारी तैयारी कर दूँगी, टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। और जब मैं आई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, उसी टाइम पे मैंने बच्चों को भी जगा दिया था, तो बच्चे भी उठ गए थे 6 बजे और वो अपना रेडी हो रहे हैं, जब तक मेरा नाश्ता भी बन चुका था। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं हुई, सुबह से मैंने उठ करके आराम से सारे काम किए, मैंने खुद को भी टाइम दिया 10-15 मिनट लगभग, थोड़ा सा वॉक एंड पानी वगैरह पीना जो भी है, और घर की सफाई भी आराम से हुई है और नाश्ता भी बन गया, मतलब किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं हुई है। तो यही है ना कि सुबह अगर जल्दी उठ जाओ थोड़ा सा टाइम से, तो सारे काम हमारे टाइम से होते हैं और दिन भर के लिए फिर सारे काम जितने भी होते हैं ना सुबह से लेकर के रात तक, वो सारे काम हमारे टाइम से होते हैं और हमें किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होती, हड़बड़ी नहीं होती, आराम से सब कुछ हम आराम से मैनेज कर पाते हैं। और बस यहाँ पर सब कुछ हो चुका था, बच्चों को मैं जा रही हूँ नीचे छोड़ने के लिए, वैसे तो हस्बैंड गए हैं नीचे, वो डेली ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी चली जाती हूँ डेली, थोड़ा सा सीढ़ी का चढ़ना उतरना हो जाता है तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, और मन भी नहीं मानता है, बच्चे जब जाते हैं नीचे तो मैं भी उनके साथ में छोड़ने उनको चली जाती हूँ, और ज़्यादा दूर तक जाना नहीं होता वैसे, बस यहीं पर आती है घर के पास में, फिर भी मैं नीचे उतर जाती हूँ। और बच्चे जब चले गए तो बस अब यहाँ पर नहा करके पूजा करना, और फिर हो गया था हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम, तो उनके लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए, रोटियां, और ख़ुद के लिए भी मैंने साथ में ही बना लिए थे। और बस नाश्ता वगैरह हो चुका था, चाय भी बन चुकी थी, और यहाँ पर अब मैं फटाफट से पहले तो गैस को साफ़ कर लूँगी, ये गैस चूल्हे को और किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रोटियां बनाई थी ना, तो थोड़ा सा आटा अगर गिर जाता है और थोड़ी देर तक अगर ये रहा आएगा तो फिर यहाँ पर चींटियों का ढेर लग जाएगा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी ही मैं ये किचन को भी साफ़ कर लूँगी और साथ में जो भी बर्तन रखे हैं उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और ये सारा काम जब हस्बैंड चले जाते हैं तब मेरा होता है। और मैं सबके जाने के बाद फिर बैठती नहीं हूँ, जो भी मेरा बचा हुआ काम होता है वो मैं अपना निपटा लेती हूँ, इसके बाद जो फिर मेरे पास टाइम बचता है तो उस टाइम पर फिर मैं बैठती हूँ, या फिर अपना जो भी पर्सनल मेरा काम होता है छोटा मोटा वो मैं लेकर के बैठ जाती हूँ।
तो बस यहाँ पर सुबह से अब हो गई है लगभग 10 बजे का टाइम, और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ये सारे कपड़े जो हैं, ये कपड़े सूख चुके थे, सुबह वाले कपड़े हैं जो मैं धुली थी ना, धूप इतनी तेज़ है कि सारे कपड़े 1-2 घंटे में अच्छे से सूख गए हैं, तो सबको मैं निकाल कर ले आई हूँ, क्योंकि हवा चलती है ना तो लगता है कहीं उड़ ना जाए, और वैसे भी नीचे भी अगर गिरता है तो थोड़ा बहुत धूल डस्ट जो उड़ के आता है ना तो वो लग जाता है कपड़ों में। तो सारे कपड़े मैं निकाल करके ले आई हूँ, और ये साड़ी मैं धुली थी जो मैं पहन करके गई थी मंदिर में, तो ये साड़ी को भी मैं धुली थी, सब कुछ सूख गया है, सबको घड़ी करके मुझे रखना है। तो सारे कपड़े अब मैं आराम से बैठ करके घड़ी कर लूँगी, और वैसे भी अकेली जब मैं रहती हूँ तो मेरा टाइम नहीं निकलता है, नहीं कटता है मेरा टाइम, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ अपना काम लेकर के बैठ जाती हूँ, और अच्छा भी है, घर का सारा काम भी हो जाता है, तो अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारे काम लेकर के बैठ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घड़ी कर दिए हैं, और सभी के कपड़े थे यहाँ पे, मिक्स थे सबके कपड़े, तो सबको मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है घड़ी करके, और जो जहाँ पे जिसके रखे हुए होते हैं वहाँ पे रख दूँगी। और इस वाली बेड शीट को आज मुझे चेंज करना है, तो ये बेड शीट काफ़ी टाइम से यहाँ पे लगी हुई है, बहुत टाइम, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और बस इसको आज मैं चेंज करूँगी। गंदी जल्दी नहीं होती है इसलिए मैंने नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं रहता, सिर्फ कपड़े वगैरह ही मैं निकाल करके रखती हूँ, तो इसी वजह से ये जल्दी गंदी नहीं होती है। तो अभी मैंने चेंज कर दिया है उसको निकाल करके, और दूसरी मैंने लगा दी है यहाँ पे बेडशीट। और ये वाला रूम थोड़ा सा अलग दिखने लगा है, क्योंकि बेडशीट चेंज कर दो ना तो रूम का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर बेडशीट लगा दी है मैंने, और जो हमारा बेडरूम है ना वहाँ की भी बेडशीट मैं आज चेंज करूँगी, वो वाली भी गंदी हो चुकी है, तो इसको भी मैं निकाल करके और दूसरी लगा दूँगी, और इस बेडशीट को मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दे रही हूँ, अभी नहीं साफ़ करूँगी, बाद में करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, दोपहर का टाइम होने वाला है, तो इस टाइम तक तो मैं कपड़े नहीं साफ़ करूँगी। तो सारे कपड़े जितने भी गंदे निकले हैं सबको मैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल करके रख दूँगी, और जब मुझे साफ़ करना होगा, मशीन लगाना होगा, तो फिर मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी लगा दी है, और ये वाला रूम भी थोड़ा सा चेंज लगने लगा है। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है सुबह के 11 बजे का टाइम, और इसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाऊँगी, और जो भी अब घर के बाकी काम हैं आराम से वो होंगे। तो ये तो था आज का मेरा सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक का रूटीन। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।